गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हम पीछे टॉपिक के अंदर आपको करवा रहे थे 3.3 एक्सरसाइज, तो मैंने वो आपको टॉपिक में कंप्लीट करवा के दी थी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.4, तो 3.3 3.4 दोनों का बेसिक हम उसी दिन करवा चुके थे आपको। 3.3 से पहले मैंने करवाया था, बेसिक कंप्लीट था उसका। अब उसके आगे 3.4 के क्वेश्चन है। अब 3.4 करा है नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपके पास कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। मैंने पहला क्वेश्चन राइट किया हुआ है, फाइंड साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, कि इन तीनों की वैल्यू निकालिए, फर्स्ट इस एंगल पे, सेकंड इस पे, थर्ड इस पे, मतलब इन एंगल्स पे साइन कोस टेन की वैल्यू डिफाइन करके दीजिए आप। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने बताया था ना वैल्यू डिफाइन करने के लिए, 90 से ज़्यादा वैल्यू जाती है तो स्टूडेंट्स किस तरह डिफाइन करेंगे, उस वैल्यू को 90 से छोटा लेके आएंगे, क्लियर। अब उसके लिए आपको उसको तोड़ना होता है 90 में, 180 में, 270 में या 360, उसके अकॉर्डिंग क्वाड्रेंट लगेगा, रेशो चेंज होगा, फिर आंसर आ जाएगा। तो करें फर्स्ट केस में करते हैं। पहला साइन -120 इक्वल्स टू, ठीक है, क्या आएगा तो साइन -120, पहले माइनस बाहर, हाँ तो साइन 120 हो गया सीधा। यहाँ पे हमला होता है ना साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, नेक्स्ट पार्ट में 120 है तो अब इसको 90 में ब्रेक कर लो आप, हाँ तो माइनस साइन और 90 प्लस 30 हो गया, ठीक है। अगले केस में माइनस, ठीक है, और 90 है तो साइन चेंज किस में, कोस में, कोस 30, 90 हट गया यहाँ से, ठीक है ऐसे। और अब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड में साइन पॉजिटिव, तो ऐसे कैसे रहेगा, मतलब बाहर का साइन सेम जो है वो कब रहेगा, नेगेटिव का नेगेटिव, हाँ तो कोस 30 कितना होता है माइनस √3/2 माइनस आ गया, ठीक है, फर्स्ट का आंसर हो गया, ठीक है। सेकेंड में आ जाओ, कोस -120, हाँ तो क्या आंसर रहेगा कोस -120 के अंदर, तो ये तो हो गया कोस 120, क्योंकि कोस के अंदर नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता साइन का। अगले केस में कोस 120 है तो इसको भी लिख दो 90 प्लस 30, 90 है तो कोस चेंज, साइन में साइन 30, कौन सा पार्ट है 90 हट जाएगा, साइन 30 है, कौन सा पार्ट है सेकंड, सेकंड में कोस नेगेटिव येलो और साइन 30 होता है 1/2, ये तो बेटे याद करनी पड़ेगी वैल्यूज आपको, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, टेन 120 माइनस में है, हाँ तो अब बोलिए 120 में क्या आएगा, माइनस टेन 120 कर दूं सेम, ठीक है माइनस आ गया। अब यहाँ पे टेन 120 है, फिर ब्रेक करो इसको, टेंजेंट 90 प्लस 30, 90 है तो टेन फिर चेंज हो गया, माइनस किस में, कोट में, कोट 30, और कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड, सेकंड में 10 नेगेटिव, नेगेटिव पहले ये बाहर पॉजिटिव, और कोट 30 की वैल्यू होती है √3, होता है ना कोस 30 और साइन 30, कोस 30 √3/2, 1/2, 2√3, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन है 2 to 5, हाँ तो साइन 2 to 5 क्या हो जाएगा 2 to 5 पे, हाँ तो इसको पहले ब्रेक करो 90 छोटे में, तो क्या लिखूं साइन 270 -45, यही होगा शायद, ठीक है। अब 270 है, 270 है तो साइन चेंज किस में, कोस में, कोस 45, 90 और 270 पे चेंज होता है, 270 है तो साइन चेंज कोस के अंदर, कोस 45 कौन सा क्वाड्रेंट थर्ड है ना, थर्ड में आता है ना 270 माइनस थीटा, थर्ड, थर्ड में साइन नेगेटिव, ये लो नेगेटिव, और कोस 45 होता है 1/√2, आगे माइनस है -1/√2, ठीक है। नेक्स्ट चले कोस 2 to 5 पे, तो क्या होगी वैल्यू, कोस सेम 270 -45, 270 है तो कोस चेंज साइन में, साइन 45 कौन सा क्वाड्रेंट थर्ड, थर्ड में कोस नेगेटिव, ये तो नेगेटिव, माइनस के 1/√2, ठीक है। यहाँ तक टेंजेंट 2 to 5, हाँ तो क्या आएगा यहाँ पे फिर से टेंजेंट 270 -45, 270 है तो टेन चेंज किस में, कोट में, कोट 45, ठीक है, और कौन सा क्वाड्रेंट थर्ड, थर्ड में टेन कोट दोनों पॉजिटिव, तो क्या आंसर आएगा 1, सीधा ही क्लियर है। थर्ड केस आ जाओ -330 पे है ना, हाँ तो साइन -330, तो क्या लिखूंगा माइनस साइन 330 को चेंज करो तो 360 -30 कर दूं, माइनस सेम साइन
360 माइनस 30 हो गया, 360 है तो साइन में कोई चेंज नहीं, साइन का साइन साइन 30, और कौन सा क्वाड्रेंट 360 और 180 में कोई चेंज नहीं होता, ऐसे कैसे रहेगा, बस 360 हट जाएगा यहाँ से, माइनस हट जाएगा, 30 आ गया साइन 30, कौन सा क्वाड्रेंट 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन नेगेटिव, नेगेटिव पहले ये बाहर तो क्या बन गया पॉजिटिव, साइन 30 1/2, देन 1/2 आंसर आएगा इसका, तो आगे हो जाएंगे दोनों पार्ट सेम सेम, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसमें देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन लिखे हैं, फर्स्ट साइन माइनस 1845 की वैल्यू निकालनी है, कोस 2190 की वैल्यू निकालनी क्या आती है, हम सोच रहे हैं कि इनसे बड़ी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो पहले तो इसे आप पॉजिटिव कर लो ना, पहला तो ये काम कीजिए, हाँ तो माइनस 1845 ये वैल्यू, अब मैं इस वैल्यू को सोल्व कैसे करूँगा, कैसे निकालूंगा, तो मैंने कहा था इसको आप 360 से डिवाइड करेंगे रफली, तो आप इसको 360 डिवाइड करें तो ये 5 पे डिवाइड जाएगा, याद करें आप, तो ये 5 पे जाएगा स्टूडेंट्स, ऐसे 360 5 पे गया तो 0 0 और ये 18 मतलब 45 आ गया, 5 पे गया ना, तो आप इसका से लिखेंगे माइनस साइन 360 इंटू 5 प्लस में 45, है ना, तो बात तो वही, आप कहोगे ये 5 बीच में कैसे आ रहा है, इससे क्या होगा, तो ये 5 का मतलब 5 राउंड कंप्लीट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहां देखिए मेन क्या है 360, 360 है तो साइन में कोई चेंज नहीं, साइन का साइन साइन और यहां आ गया 45, सब हट गया यहां से, ठीक है, और अब कौन सा क्वाड्रेंट 360 प्लस थीटा, ये भूल जाओ 360 प्लस थीटा, फर्स्ट फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, जैसा है वैसे वैसा आएगा, हाँ तो माइनस 1/2 इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये रफली कर लेना वर्क, ठीक है, आगे चले इधर, हाँ तो इसको अलग से रफली करो ना, 2190 को आप 360 से डिवाइड करें तो किस पे जाएगा, ये शायद 6 पे जाएगा स्टूडेंट्स, 60 6 3 और 18 3 21 0 3 30 बचेगा, ठीक है, अब क्या आएगा, तो इसको कैसे लिख दूं मैं यहाँ पे, cos 360 इंटू 6 प्लस में 30, हाँ तो 360 है तो cos का cos cos 30, कौन सा क्वाड्रेंट, वही कहा ना 6 से कोई फर्क नहीं पड़ता, 360 है तो वो cos और cos रहना है, 30 ऐसे ही हट गया पूरा पार्ट, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, और cos 30 होता है यहाँ पे √3/2 ये वैल्यू, तो ये हमारे पास इस तरह से वैल्यू डिफाइन है, इससे आप काफी बड़ी वैल्यू छोटी सब निकाल सकते हैं, तो मैंने आपको ये क्वेश्चन की ट्रिक बता दी स्टूडेंट्स, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, एंगल में 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कैसे करना है, ठीक है, देखो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं 2 यहाँ पे, इसकी तो वैल्यू निकालनी है, सेकंड वाले क्या आंसर आता है और इसको प्रूव करना है इसके इक्वल क्या आंसर आता है, ठीक है, तो करें यहाँ पे, तो ये मैंने आपको सब राइट करा रखे, कैसे कैसे होता है, 180 है तो साइन में कोई चेंज नहीं, साइन थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा केस कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड थर्ड में साइन नेगेटिव, ये हो गया माइनस साइन थीटा, ठीक है, सेकंड आ जाओ 270 है तो कॉस में चेंज, साइन साइन थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉस नेगेटिव, फिर माइनस आ गया, ठीक है, नेक्स्ट केस में 180 है तो कॉस में कोई चेंज नहीं, कॉस का कॉस कॉस थीटा, 180 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड सेकंड में कॉस नेगेटिव, ये लो माइनस का हो गया, बाहर प्लस है, ठीक है, ऐसे करना है, नेक्स्ट 270 है तो साइन में चेंज, कॉस कॉस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, 270 प्लस थीटा, फोर्थ फोर्थ में साइन नेगेटिव, ये माइनस का हो गया, ठीक है, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस साइन 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 स्क्वेयर थीटा, माइनस माइनस प्लस कॉस 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 स्क्वेयर थीटा, साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर वन, राइट आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट पार्ट है, साइन 150 कोस 120 प्लस कोस 330 साइन 660 इक्वल टू, प्रूव करना है क्या आंसर आता है, मतलब आंसर निकालना है क्या आता है, तो मैं वैल्यू चेंज करता हूँ स्टूडेंट्स, मैं सारी वैल्यू सेम सेम बना लेता हूँ, कैसे आएगा देखिए ध्यान से पार्ट, साइन 150 है, मैं इसको ऐसे लिख दूं, सारी वैल्यू में 90 छोटी लेके आता हूँ और सबकी मुझे वैल्यू याद है, कर लेंगे आराम से, हाँ तो बोलो क्या आएगा, साइन 150 है तो इसको ऐसे लिख दूं, साइन 180 माइनस 30 हो गया, कॉस इसको लिख देता हूँ 90 प्लस 30, कैसे तोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है,
प्लस में ये वैल्यू है, इसको ले देता हूँ कोस 330 है ना, हाँ तो 360 माइनस 30, और यहाँ पे लिख देता हूँ साइन 360 प्लस 300, हो गया। एक बार तो कर देते हैं उसको, आगे देखें क्या करना है। 180 है तो साइन का साइन, साइन 30, 180 पे सेम रहना है, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड में साइन पॉजिटिव। 90 है कोस चेंज साइन के अंदर, यहाँ आ गया साइन 30, और कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड में साइन, सॉरी कोस नेगेटिव, नेगेटिव तो इन टू का साइन है तो यहाँ नेगेटिव कर देता हूँ आगे, ठीक है आगे चले। 360 है तो कोस का कोस, कोस 30, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ, फोर्थ में कोस पॉजिटिव, ये साइन ऐसे कैसे रहेगा। नेक्स्ट आ जाओ, 360 है तो साइन का साइन रहना है, साइन 300, और कौन सा क्वाड्रेंट, 360 प्लस थीटा, ये मैं देखो ये कितना, यहाँ देखो 360 प्लस थीटा लिखा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में साइन पॉजिटिव, ऐसे कैसे, ये अगले स्टेप फिर टूटेगा। यहाँ वैल्यू क्या आएगी, -1/2 इंटू 1/2 प्लस कोस की वैल्यू 1/2 इंटू साइन 300 है, हाँ तो ये बन के आ गया फिर से साइन 360 माइनस 60। अगले स्टेप पे -1/4 प्लस 1/2, 360 है तो साइन चेंज, साइन साइन ऐसे कैसे रहेगा, साइन 60, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ, फोर्थ में साइन, स्टूडेंट्स फोर्थ में, फोर्थ है ना 360 माइनस थीटा, फोर्थ में साइन नेगेटिव, हाँ तो ये साइन नेगेटिव कर दो, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा, -1/4 और ये हो गया माइनस में 1/2 और इंटू में साइन 60 है तो होता है √3/2। यहां मिस्टेक हो गई, प्लस कोस 30 √3/2 होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, तो यहां ये वैल्यू √3/2 हो जाएगी, यहां पे √3/2, ठीक है। अभी क्या आएगा, तो √3 √3 3 3/4 ये होगा ना, -1/4 -3/4, तो माइनस का वन आंसर आ गया, -1 ये आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इस पार्ट देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे टू क्वेश्चन लिखे हैं, फर्स्ट में प्रूव दैट जीरो आंसर, इसके सेकंड में इसके बराबर आंसर निकालना है क्या आता है, ठीक है। हाँ तो फर्स्ट कैसे करेंगे, कोस 570 है तो वही केस बताया मैंने इसको, इसे लिख दू इसको मैं, कोस 360 प्लस 210 तो 570 आएगा, इंटू में साइन इसको लिख दू 360 प्लस में और 150 तो 510 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ आगे माइनस साइन, यहाँ से बाहर, देन माइनस साइन, और यहाँ हो गया 330, यहाँ से माइनस हटेगा तो सेम टू सेम रहेगा 390, ठीक है, ऐसे हो गया, जीरो इक्वल आंसर लेके आना है आपने, इसका तो माइनस बाहर, इसका बाहर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो गया। यहाँ से इनको फिर सोल्व करो, 360 है तो कोस का कोस, कोस 210, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट, फर्स्ट में और पॉजिटिव, 360 है तो साइन का साइन, साइन 150, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट, फर्स्ट में और पॉजिटिव, यहाँ पे साइन 330 है, इसको ब्रेक करें आप, हाँ तो ये हो गया 360 माइनस 30 में, और यह हो जाएगा कोस 360 प्लस 30 के अंदर, इनको और चेंज करें, 210 है तो ये हो गया 180 प्लस 30, यहाँ हो जाएगा 180 माइनस 30, माइनस में 360 है तो साइन का साइन, साइन 30 यह हट गया, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ, फोर्थ में साइन नेगेटिव, हाँ तो नेगेटिव पहले ही पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अगला 360 है तो कोस का कोस, कोस 30, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट, फर्स्ट में कोस पॉजिटिव, ऐसे कैसे रहेगा। अगले केस पे 180 है तो कोस का कोस, कोस 30, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड, थर्ड में कोस नेगेटिव, 180 है तो साइन का साइन, साइन 30, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड में साइन पॉजिटिव, ऐसे कैसे रहेगा। प्लस में साइन 30 1/2 कोस 30, यह हो गया √3/2 इक्वल टू, यहाँ आ जाओ माइनस में कोस 30 √3/2 साइन 30 1/2 और प्लस में यहाँ हो गया √3/4, दोनों पार्ट कट हो गए, इक्वल टू जीरो आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वाला पार्ट आ जाओ, √2 इंटू साइन 135, हाँ तो वही ब्रेक करते हैं जो बताया था मैंने पार्ट वाला, तो पहले √2 सेम, साइन 135 को लिख दो साइन 90 प्लस 45 इंटू कोस 210 को लिख दो 180 प्लस 30 इंटू टेंजेंट 240 को लिख दो 270 माइनस 30 इंटू कोट 300 लिख दो 270 प्लस में 30
इंटू सीकेंट 30 लिख दो, 360 माइनस में 30, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे है वैसे वैसे तोड़ते रहो बस इनको उन वैल्यूज के अंदर। अब रूट टू तोड़ना होता है 90, 180, 270 360 के बीच, ठीक है, तोड़ लो जैसे बने पार्ट, जहां कहीं पर भी तोड़े दो वैल्यूज। अब आ जाओ 90 है तो 90 साइन चेंज किस में, कोस में, कोस 45, 90 प्लस थीटा सेकंड, सेकंड में साइन पॉजिटिव, ऐसे कैसे। अगला आ जाओ 180 है तो कोस का कोस, कोस 30, कौन सा क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा, थर्ड, थर्ड में कोस नेगेटिव, तो ये ब्रैकेट लगा के नेगेटिव कर दिया कोसाइन। इनटू में अगला बोलो 270 है तो 10 चेंज किस में, कोट में, कितना, कोट 30, और कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड, थर्ड में 10 पॉजिटिव, ऐसे कैसे रहेगा। अगला 270 है तो कोट चेंज किस में, 10 में, 10 30 कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ, फोर्थ में कोट नेगेटिव रहेगा, हो गया। हाँ तो इनटू 360 है तो सीकेंट का सीकेंट रहेगा, सीकेंट 30 कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ, फोर्थ में सीकेंट पॉजिटिव रहेगा। अगले केस पे रूट टू, कोस 45 होता है 1 बाई रूट टू, कोस 30 होता है माइनस के रूट 3 बाई टू, माइनस पहले ही था इसमें, इनटू कोट 30 होगा रूट 3, टेन 30 होगा माइनस के 1 बाई रूट 3, और इनटू सीकेंट 30 होगा 2 बाई रूट 3। ये सब वैल्यूज आपकी याद होनी चाहिए, ठीक है। रूट टू, रूट टू कैंसिल, रूट थ्री, रूट थ्री, रूट थ्री, रूट थ्री सब कैंसिल होगा यहाँ पे, टू से टू कैंसिल, माइनस माइनस प्लस का 1 रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स, ये मैंने लिखा है। मैंने उसी दिन इसीलिए आपसे कहा था कि फर्स्ट डे जब मैंने करवाया था बेस्ट बताया था, बेसिक ही याद कीजिए, वही सब कुछ है, उसके अलावा मैंने कुछ टाइम नहीं लिखा स्टूडेंट्स, वही बेसिक था। अगर वो अच्छे से हो गया तो मैं क्वेश्चन वैसे ही करा रहा हूँ फॉर्मेलिटी के लिए, कि कुछ क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, नहीं आप कहोगे सर ने क्वेश्चन नहीं कराए, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे डिट्टो, मैंने कोई नया स्टेप नहीं लगाया अब तक, वही बेसिक सब कुछ के अकॉर्डिंग आप सोल्व करते जा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 1090 माइनस थीटा सेकंड 180 माइनस थीटा, इस तरह क्वेश्चन है, इसके बराबर आंसर निकालना है करके सिंप्लीफाई। तो वही 1090 है तो 10 चेंज किस में, कोट में, 90 माइनस थीटा फर्स्ट, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, 180 है तो सेकंड का सेकंड, और 180 माइनस थीटा सेकंड, सेकंड सेकंड नेगेटिव, तो ये ब्रैकेट लगा के नेगेटिव कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन थीटा सीधा ही, और 180 है तो साइन का साइन, साइन थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड, थर्ड में साइन नेगेटिव, ये ब्रैकेट लगा दो। अगले पार्ट पे 360 माइनस थीटा, 360 है तो कोट का कोट, कोट थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, 360 माइनस थीटा फोर्थ, फोर्थ में कोट नेगेटिव, ये हो गया। 90 है तो कोसेकेंट चेंज किस में, सीकेंट में, सीकेंट थीटा, 90 प्लस थीटा सेकंड, सेकंड में कोसेकेंट पॉजिटिव, सेम रहेगा, ठीक है। हाँ तो माइनस माइनस प्लस, अब इनको ब्रेक करो आप, तो इसको तो मैं लिख देता हूँ कोस थीटा बाई साइन थीटा इंटू, ये आ गया 1 बाई कोस थीटा इंटू, ऊपर हो गया साइन थीटा, ओवर माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो गया साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा कोस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू ये 1 बाई कोस थीटा। अरे ये तो सीधा ही कैंसिल हो रहा था ऊपर नीचे, माइंड काम नहीं करता है कई बार ना, चलो ये तो वैसे सारी वैल्यू कट रही है आपस में, देखिए आप सीधा आपको रिजल्ट 1 के इक्वल मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इस पर देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इसके इक्वल आपने 1 के वैल्यू प्रूव करनी है, तो ये कैसे आएगा, जिसकी वैल्यू पता है, पाई का मतलब 180 होता है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना इस चीज में, देख कैसे होगा क्वेश्चन। 3 ये हो गया कोस 60, वैसे कर लो कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा सीकेंट 60 माइनस 4, ये हो जाएगा साइन 150 इंटू, ये हो जाएगा 45, और यहाँ हो जाएगा कोस 360 इक्वल टू 1। चलो ये छोड़ दे, तो एक साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब कैसे करना है, तो कोस 60 है हाँ, तो 3 इंटू, ये तो वैसे ही वैल्यू हो रही है, cos 60 इंटू 1 बाई cos 60 माइनस में 4 इंटू साइन 150 है हाँ, तो 90 प्लस 60 इंटू 10 45 है, 1 होता है, ठीक है। इंटू में cos 360 है, अगर वैल्यू याद नहीं है ना फ्रेंड्स, तो ऐसे भी तो राइट कर सकते हैं, अगर वैल्यू याद नहीं है तो 360 की है ना। देखो नेक्स्ट केस में ये दोनों पार्ट कैंसिल हो गए, देन 3 ब्रैकेट माइनस 4 इंटू 90 है तो साइन चेंज, cos में cos 60 कौन सा क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट नंबर सेकंड, सेकंड में साइन पॉजिटिव, ऐसे कैसे रहेगा। ब्रैकेट 270 है तो cos चेंज, साइन में साइन 90,
270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट और फोर्थ में कोस पॉजिटिव सेम कोस 60 यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 4 इंटू कोस 60 1 बाई 2 इंटू साइन 91 ये कैंसिल हो गया 2 पे हाँ तो ये वैल्यू आ गई 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 और राइट साइड में ये वैल्यू प्रूव करनी है ठीक है स्टूडेंट्स समझ आ रहा है केस आई होप समझ आ रहा होगा ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने नहीं करवाया हो उस दिन बेसिक मैंने आपको सब डिटेल में करवा दिया था ठीक है फिर भी क्वेश्चन में पाई आता है तो कंफ्यूज नहीं हो पाई का मतलब होता है 180 लिख करके भी हम राइट करके सोल्व कर सकते हैं बस आपको पता होना चाहिए क्या वैल्यू बनती है क्लियर तो स्टूडेंट्स हमने जो आज क्वेश्चन करवाए हैं इसमें क्वेश्चन और भी हैं हमारे पास इस एक्सरसाइज के अंदर 3.4 के अंदर तो हम आज इतना ही करवाते हैं 3.4 में इसके एक और दे देंगे वीडियो बना क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आगे जिनमें फाइंड आउट द वैल्यू भी एक्स की वैल्यू निकालनी है और वो वैल्यू किस तरह निकलेगी वो बताएंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर तो मेरे ख्याल जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं ये और जो बेसिक था वो बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट तो बेसिक ही है अगर आप वो बेसिक ही लर्न कर लेते हैं तो जरूरत नहीं है क्वेश्चन करने की भी इनकी तो ये तो वैसे ही क्वेश्चन हो जाएंगे सारे ये तो मैं वैसे ही करा रहा हूँ मैंने बताया ना फॉर्मेलिटी के लिए करा रहा हूँ कि आपको बस थोड़ा बहुत आना चाहिए क्वेश्चनों के बारे में और ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कर लोगे आप क्वेश्चन तो ठीक है चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसमें वैल्यू डिफाइन करके देते हैं